नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सेफ कार्स यानी 4-5 स्टार रेटेड गाड़ियों की सेल पहले से काफी अच्छी हो गई है, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे इनके इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ चीजों के बारे में सही से अवेयर नहीं है, और इसीलिए वो लगातार अनसेफ कार्स को खरीदे जा रहे हैं। इंडिया की टॉप 10 सेलिंग कार्स की बात करें तो सबसे ऊपर इन्हीं गाड़ियों का नाम आता है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि अभी भी लोगों को समझने में काफी टाइम है। आज जो एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूं वो मारुति सुजुकी स्विफ्ट का है, और ये छत्तीसगढ़ से मिस्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, विकास पटेल और रोहन सिंह जी ने मुझसे ईमेल और इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में किसी जगह पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्विफ्ट से 4 लोग छत्तीसगढ़ से बनारस की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक किसी वजह से गाड़ी अनकंट्रोल होकर पलट गई। हालांकि यहां पर अनकंट्रोल होने का रीजन नहीं पता है, हो सकता है ये किसी को बचाने के चक्कर में हुआ हो, या हो सकता है टर्न वगैरह पर हुआ हो। इसके अलावा ऐसा लग रहा कि गाड़ी पहले किसी चीज में लड़ी है, क्योंकि इसका पूरा लेफ्ट साइड बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गया है। फोटोज में आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा, इसका लेफ्ट साइड वाला दोनों डोर वगैरह टूट कर निकल गया है और नीचे वाला हिस्सा कुछ हद तक गायब हो गया है। अंदर बैठे लोगों की बात करें तो 3 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि एक को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उम्मीद करते हैं अब वो सेफ हो। इस एक्सीडेंट को देखकर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमेशा गाड़ी को लिमिटेड स्पीड में और पूरे कंट्रोल में रखकर ही चलाएं, ताकि कुछ भी हो जाने के बाद भी बड़ा नुकसान ना हो। इसके अलावा हमेशा एक सेफ कार को प्रेफर करें, क्योंकि उनको इन गाड़ियों से मजबूत बनाया जाता है, और जब गाड़ी मजबूत रहेगी तो पैसेंजर्स के बचने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे।